हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थिंक पैसा। म्यूचुअल फंड की सीरीज़ में दो वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं और ये तीसरा वीडियो है। इसमें हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं और इनमें से हमें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड होते हैं दो टाइप के, एक क्लोज्ड एंड और एक ओपन एंड। क्लोज्ड एंड में एक बार पैसे ले लेते हैं म्यूचुअल फंड वाली कंपनी, उसके बाद उसे इन्वेस्ट करते हैं, और बीच में कोई नया इन्वेस्टर उसमें पैसे नहीं डाल सकता और ना ही कोई एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर उससे पैसे निकाल सकता है। दूसरा टाइप होता है ओपन एंड, जहां कभी भी कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है और कभी भी रिडेम्पशन कर सकता है। अगर ब्रॉडली क्लासिफाई किया जाए तो म्यूचुअल फंड चार टाइप के होते हैं, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड और इंडेक्स। इक्विटी में म्यूचुअल फंड अलग अलग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें रिस्क हाई होता है लेकिन रिटर्न भी हाई होता है। इसमें भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, जैसे मल्टी कैप फंड, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। लार्ज कैप में बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा होता है। मिड कैप में मिड साइज कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है। लार्ज कैप में रिस्क कम होता है, मिड कैप में थोड़ा ज़्यादा होता है, स्मॉल कैप में और ज़्यादा होता है। इसके बाद इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम आता है, जिसको टैक्स बचाना है म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है जो कि बाकी टैक्स इंस्ट्रूमेंट से कम है, और इसमें भी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है क्योंकि ये भी इक्विटी में ही यानी कि शेयर्स में ही इन्वेस्ट होता है। इसके बाद सेक्टोरल फंड होता है। अगर आपको लग रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर ऊपर जाने वाला है अगले कुछ सालों में, तो आप पर्टिकुलर उस सेक्टर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी, बैंकिंग एटसेट्रा। इसके बाद आता है डेट फंड। डेट फंड में गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉरपोरेट बॉन्ड्स, लिक्विड फंड, गिल्ट फंड, इन सब में इन्वेस्ट किया जाता है, और इसमें रिस्क कम रहता है तो रिटर्न भी थोड़ा कम रहता है। जिनकी एज ज़्यादा है या रिस्क एपिटाइट कम है, उन्हें डेट फंड सेलेक्ट करना चाहिए। अगर आपको अपने पैसे सेव करने हैं तो बैंक से अच्छा ऑप्शन है लिक्विड फंड। सेविंग्स बैंक में करीब 3.25% इंटरेस्ट मिलता है। लिक्विड फंड में आपको FD के बराबर इंटरेस्ट मिल जाएगा, और इसमें लिक्विडिटी रहती है कि आप जब चाहें तब पैसा निकाल सकते हैं। लिक्विड फंड में कंपनीज जो इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करती है उसकी मैच्योरिटी 91 डेज की रहती है, इसलिए उसमें लिक्विडिटी बनी हुई रहती है, आप जब चाहें अपना पैसा निकाल सकते हैं। इसके बाद एक फंड आता है हाइब्रिड फंड। ये नाम से ही समझ में आ रहा है, ये इक्विटी और डेट का हाइब्रिड होता है, और इसमें भी इन दोनों के परसेंटेज के हिसाब से एग्रेसिव हाइब्रिड और कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड अलग अलग होते हैं। इसके बाद चौथा आता है इंडेक्स फंड। वॉरेन बफे कहते हैं, अगर कोई म्यूचुअल फंड आपको इंडेक्स से कम रिटर्न ला के दे रहा है तो वो अच्छा नहीं है, और इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न लाने वाले बहुत सारे म्यूचुअल फंड मार्केट में नहीं है। तो अगर आपको इन सब प्रॉब्लम्स से दूर रहना है तो आप इंडेक्स फंड में SIP स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें एक्सपेंस रेशियो भी कम रहता है। इंडेक्स को अगर हम देखें तो इतने सालों में वो ग्रो ही हो रहा है। कितने मार्केट क्रैश आ गए, मार्केट करेक्शन आ गया, उसके बाद भी इंडेक्स वापस ऊपर जाता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते रहें तो आपको 15-16% का एनुअल रिटर्न मिल जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम SIP स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद अचानक हमें पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उसके बाद हमें म्यूचुअल फंड से रिडेम्पशन करके पैसे निकालने पड़ते हैं, कई बार लॉसेस में भी पैसे निकालने पड़ते हैं। तो इसके लिए लिक्विड फंड एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको नियर टर्म में पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है तो आप लॉन्ग टर्म फंड सेलेक्ट ना करके लिक्विड फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी 5-10% कैश अपने पास रखती है ताकि जब भी कोई सेल करे उसे 2 दिन के अंदर पैसे दे सकें, और ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है 50-30-20 प्रिंसिपल्स फॉर पर्सनल फाइनेंस, आप वो देख सकते हैं। उससे आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कितने पैसे म्यूचुअल फंड में डालने चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ आपसे मिस ना हो जाए। थैंक यू।